तो चाइना में होने वाले 19th एशियन गेम्स 2023 के लिए भारत की सीनियर मेंस T20 टीम का ऐलान कर दिया गया है और यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए हमें दिखाई देंगे। और ये जो पूरा इवेंट है एशियन गेम्स का, ये क्लैश कर रहा है ODI वर्ल्ड कप के साथ, यानी कि भारत की दो सेपरेट टीमें अलग अलग टूर्नामेंट में भारत का हमें प्रतिनिधित्व करती हुई दिखाई देंगी। और एक टीम जहां हमारे लिए वर्ल्ड कप जीतने के लिए पूरी कोशिश करेगी, वहीं दूसरी टीम की कोशिश होगी कि एशियन गेम्स में देश के लिए यहां पर गोल्ड मेडल जीता जाए। और काफी सारे लोग एशियन गेम्स के बारे में जानकारी पूछ रहे थे कि एशियन गेम्स क्या है, कहां होगा, किस चैनल पर वो इसको देख पाएंगे, तो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सबसे पहले आपको बता दूं कि 19th एशियन गेम्स 2023 खेला जाएगा चाइना में और ये टूर्नामेंट पूरे का पूरा, ये जो एशियन गेम्स है, ये 23 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक चलेगा और इसमें टोटल 40 के करीब स्पोर्ट होंगे, 40 के करीब टीम्स होगी, यानी कि एक बहुत ही बड़ा इवेंट होगा। और लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक्स को मद्देनजर रखते हुए कि उसमें क्रिकेट की भी एंट्री हो जाए, यहां पर इस टूर्नामेंट का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। और उसके साथ साथ लाइव स्ट्रीमिंग आप इस टूर्नामेंट की देख पाओगे ऑन द सोनी लिव ऐप, यहां पर शूटिंग, वेट लिफ्टिंग जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स होंगे जिसमें भारत ऑब्वियसली पार्टिसिपेट करेगा। काफी सारे हमारे एथलीट यहां पर जा रहे हैं, टीम इंडिया की वुमेन्स क्रिकेट टीम भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और फुल फ्रेश वुमेन्स क्रिकेट टीम इसमें जाने वाली है। लेकिन जहां तक मेंस क्रिकेट टीम की बात है, उस पर अगर फटाफट से नजर डालें तो यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में टीम इंडिया जाने वाली है। उसके अलावा बल्लेबाजों में यशस्वी जायसवाल, राहुल त्रिपाठी, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, शिवम दुबे और प्रभसिमरन सिंह बतौर सेकंड विकेट कीपर रहेंगे। वहीं ऑलराउंडर्स में वॉशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद और शिवम दुबे को जगह मिली है। और गेंदबाजों में रवि बिश्नोई, आवेश खान, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार और शिवम मावी को इस टीम में जगह मिली है। यानी कि वॉशिंगटन सुंदर और शाहबाज अहमद के रूप में दो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, शिवम दुबे के रूप में एक मीडियम पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है, उसके अलावा रवि बिश्नोई हैं, शिवम मावी हैं, मुकेश कुमार हैं, आवेश खान हैं, तो एक अच्छा बॉलिंग अटैक भी टीम इंडिया का है। और उसके साथ साथ बल्लेबाजों में यहां पर जायसवाल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है और सीनियर प्लेयर समबड़ी लाइक भुवनेश्वर कुमार, समबड़ी लाइक शिखर धवन, जिनके बारे में बात हो रही थी कि इस एशियन गेम्स की स्क्वाड में वो हो सकते हैं, उनको इसमें जगह नहीं मिली है। अब यहां पर सवाल यह है कि क्या इसमें से कोई भी खिलाड़ी हमें वर्ल्ड कप के स्क्वाड में देखने को मिलेगा, तो इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं, अनटिल एंड अनलेस लेटेस्ट स्टेज ऑफ द वर्ल्ड कप में किसी की बैक एंड से एंट्री हो जाए, क्योंकि हमारे भारतीय क्रिकेट में ऐसा हाल फिलहाल में बहुत हुआ है, वो बात अलग है, लेकिन शुरुआत में 15 सदस्य स्क्वाड में इनमें से किसी खिलाड़ी की भी जगह नहीं होगी। यानी कि शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार, रविचंद्रन अश्विन, ये खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि एशियन गेम्स में नहीं जा रहे हैं, तो इनके लिए अभी भी एक आउटसाइड चांस है फॉर द वर्ल्ड कप ऑफ 2023, क्योंकि अगर ये सिलेक्शन के लिए अवेलेबल रहेंगे तो ही आप इनको सेलेक्ट कर पाओगे ना। और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये जो प्लेयर्स हैं, जो सीनियर प्लेयर्स हैं जिनको इस टीम में जगह नहीं मिली है, वो थोड़े से ज्यादा खुश होंगे कि चलो ठीक है, अभी भी हमारा वर्ल्ड कप खेलने का चांस है। लेकिन गायकवाड़ हो गए, आपके रिंकू सिंह हो गए जिनको फुल टीम इंडिया में जगह मिल गई है, जितेश शर्मा हो गए, इनके लिए ये एक बहुत ही बड़ा मौका है। यशस्वी जायसवाल जिन्होंने अभी टेस्ट में डेब्यू किया था, सेंचुरी मारी है, उनके लिए भी एक बड़ा मौका होगा अपनी छाप छोड़ने का और अपनी दावेदारी 2024 के T20 के वर्ल्ड कप में पूरी करने की भी इनके पास ये बहुत ही अच्छा मौका होगा। उसके अलावा जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, जैसे मैंने बताया, उनके लिए वर्ल्ड कप में सिलेक्शन का दरवाजा अभी भी खुला है, क्योंकि वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल रहेंगे। अगर वो एशियन गेम्स के लिए चाइना चले जाते तो फिर उनके सिलेक्शन के लिए दरवाजा पूरी तरीके से बंद हो जाता। तो एशियन गेम्स 2023 की इस युवा स्क्वाड पर आपका क्या ओपिनियन है, मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और इसी तरीके के लगातार वीडियोस के लिए मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, ताकि इसी तरीके की वीडियोस और एनालिसिस लगातार आपको मिलती रहे। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।